कल ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक पार्टी इतने छोटे वक्त में इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसको अभियुक्त बनाया गया है चार्जशीट में। ईडी ने सारे तथ्य सामने रखे हैं और ईडी की चार्जशीट से ये उभर कर आता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन थे पूरे शराब घोटाले के। उन्होंने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स शराब घोटाले में लेने की उनकी व्यक्तिगत भूमिका रही है, जिसमें से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल करे गए हैं। ईडी ने सारे सबूत रखे हैं, जहां पर चनप्रीत सिंह जो चैरियट प्रोडक्शंस के एम्प्लॉय थे उनको आम आदमी पार्टी ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे दिए हैं हवाला ट्रांजैक्शंस करने के लिए, जिसमें विनोद चौहान का नाम आया है जिन्होंने 25 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा भेजे आम आदमी पार्टी के चुनाव की गतिविधियों के लिए, जिसको अभिषेक बोनापल्ली जो साउथ ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने वहां पर रिसीव करा है। इसका अर्थ यह है कि 9 अप्रैल 2024 का जो ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, जहां पर ईडी ने ये सारे तथ्य और सबूत रखे थे और हाईकोर्ट ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, वो सारे के सारे तथ्य अब ईडी की चार्जशीट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और इसीलिए कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर प्रोडक्शन वारंट इशू करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ 12 जुलाई के लिए। सौरभ, इसी पर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना फायदा मिला है, ये पब्लिक डोमेन में है। ज्यादा कंपनियां वो है जिनके खिलाफ कोई जांच चल रही है। एक्साइज मामले में जो गवाह है उन्होंने भी बड़ी मात्रा में चंदा भाजपा को दिया था, तो पहले आप लोग ये भी जांच करवाइए। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी को मैं ये अनुरोध करूंगी कि जनता को भ्रमित ना करें। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ही स्वयं माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का नाम लिया है शराब घोटाले में, माननीय मंत्री आतिशी मारलेना जी का नाम लिया है शराब घोटाले में, और ये भी कहा है कि माननीय दुर्गेश पाठक जी स्वयं प्रभारी थे गोवा इलेक्शन के और पूरा का पूरा फंड वो मैनेज कर रहे थे। इसलिए सबसे पहले तो आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और दुर्गेश पाठक जी की भी बहुत ढंग से जांच होनी चाहिए।